मैं गिविन सर। नमस्ते सर। प्लीज थैंक यू सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका ये पहला साक्षात्कार है? जी। इसके पहले मेंस आपने दिया? जी 2022 का मेंस। 2022 और 2022 का ही मेंस। अच्छा 2023 दो में। अपने बारे में सामान्य जानकारी आप दें। सर मैंने ग्रेजुएशन अपना सुल्तानपुर अपने गृह जनपद से किया है सिविल इंजीनियरिंग में, और मैं उस तत्पश्चात सर सिविल सेवा की प्रिपरेशन करता रहा हूँ। अच्छा, जब आपने बीटेक किया था जी, तो आपकी अपनी सोच थी कि हमें इंजीनियर बनेंगे जी, इंजीनियर बन करके राष्ट्र सेवा में जाएंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे जी। और फिर कैसे प्रशासन में आने का आपका विचार हो गया? सर इंजीनियरिंग के पश्चात मैंने 2 वर्ष के लिए एक फर्म में काम किया था 2016 से 2018 के मध्य में। उसके बाद कोरोना के कारण सर फर्म बंद हो गई सर, और सर जॉब भी चली गई। फिर मुझे मेरी पहले से ही चूंकि रुचि थी सिविल सेवा में आने के लिए, तो मैंने सिविल सेवा की प्रिपरेशन स्टार्ट। अच्छा ये बताएं, महामारी या आपात के दौरान जी एक विशेष कुशल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है जी, तो आप अपना क्षेत्र जो है कि छोड़ करके इधर चले आए? सर वो फर्म ही बंद हो गई थी सर, फर्म ने हमें निकाल दिया। दूसरा प्रयास नहीं किया कहीं और जाने का? नहीं सर। अच्छा, जो बीटेक आप किए हैं जी, उसका प्रयोग जो है कि प्रशासनिक क्षेत्र में कैसे कर पाएंगे आप? सर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है सर, सिर्फ एक सिविल इंजीनियर के तौर पर मैं सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, गरीबों को घर मिल रहे हैं, उसके साथ में सर अपने ज्ञान को वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ बेहतर तरीके से। अच्छा जी, आप ये बताएं सीबीआई के बारे में जानते हैं जी? इसका गठन कब हुआ था? अच्छा सीबीआई का दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट के तहत 1946 में हुआ था सीबीआई का गठन। अच्छा, ये कुसुम योजना क्या है? सर कुसुम योजना सर सौर ऊर्जा किसानों को उनके खेतों में सौर पैनल लगाने के लिए कुसुम योजना है सर, जिससे एक उनको एक दूसरा रोजगार का साधन भी मिलेगा सर जी। अच्छा ये बताओ, सिकुड़ता गांव और बढ़ती नगरीकरण जी, इस पे जो असंतुलन होता जा रहा है जी, गांव छोटा होता जा रहा है, नगर बढ़ते जा रहे हैं जी, जब आप सेवा में आएंगे जी, तो आपके द्वारा कैसा प्रयास रहेगा कि इस पर इसको नियंत्रित किया जा सके? सर सेवा में आने के बाद विभिन्न योजनाएं हैं। क्या इसके पहले जी, अभी आपकी तैयारी के दौरान आपने सोचा है इस पर, विचार किया है? जी बिल्कुल सोचा है मैंने सर, गांव से जो पलायन है शहरों की तरफ, उसके कारण शहरों में सर काफ़ी कई तरीके की प्रॉब्लम हो जा रही है सर, जैसे घेटोज बनते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, शहर की मूलभूत जो सुविधा है उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है मूलभूत सुविधाओं को शहर के, गांव के पलायन के कारण। तो सर सेवा में आने के बाद गांव के विकास में जैसे सर वहाँ उचित स्वास्थ्य दिया जाए, उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और रोजगार के युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। पलायन को रोकने के लिए भारत सरकार ने कभी प्रयास किया है कि नहीं किया है? सर एक योजना चल रही है भारत सरकार की पूरा नाम के, प्रोवाइडिंग अर्बन रिसोर्सेस है, वहाँ गांव में उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी, अर्बन सुविधाएं जो हैं गांव में प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे लोगों का पलायन रुके। अच्छा ये बताएं, चुनाव सुधार जी पर आपने विचार किया है जी, कि भारतीय राजनीति में जो है जी जो चुनाव सुधार है, इस पर उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सके? जी सर चुनाव सुधार में सर जो क्रिमिनल्स की एंट्री हो जाती है सर पॉलिटिक्स में, इसको रोकने के लिए सर तमाम समितियां जो जैसे बोहरा समिति हैं, इन लोगों की जो रिकमेंडेशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए सर। इलेक्टोरल बॉन्ड भी इस दिशा में एक बेहतर कदम है
सर फाइनेंसिंग जो है चुनाव की उसकी उसको भी पारदर्शी होना ही चाहिए सर। अच्छा, एक चुनाव के बाद जो है कि पेपर के माध्यम से या आम जनता भी कहती है कि वो मशीन हैक हो गया है, इससे जो चुनावी पारदर्शिता है जो है कि प्रभावित हुई है, धूमिल हुई है जी, क्या होता है ऐसा? सर मैं ऐसा नहीं समझता सर, इसके कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं, कहीं आप कोई टेक हो इसलिए आप इसको बारीकियों से समझ सकते हो कि मशीन को कैसे हैक किया जा सकता है। सर समझ सकते हैं और इसके साक्ष्य भी नहीं मिले हैं, चुनाव आयोग ने बार बार लोगों को कहा है आप आके इसको चेक कीजिए या आप इसकी चेकिंग कर सकते हैं, यहाँ कहीं को भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है सर उसके उसके हैकिंग का। अच्छा जी, ये न्यूज़पेपर की तरफ से सर, न्यूज़पेपर चैनल कुछ समाचार पत्रों में ज़रूर आता है पर सर इस पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई इसमें सर। मध्यावधि चुनाव क्या है? सर मध्यावधि चुनाव सर मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई किसी या हंग इलेक्शन हंग पार्लियामेंट में सर नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण पार्लियामेंट भंग हो गई तो बीच में जो चुनाव कराए जाते हैं सर उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। महिला यूपी में जो है महिला साक्षरता दर जी में कौन सा जिला सबसे आगे? महिला साक्षरता में कानपुर नगर। ठीक सर, सुल्तानपुर रहने वाले हैं आप जी, सुल्तानपुर के बारे में कुछ बताइए। सर सुल्तानपुर पूर्व इससे सबसे प्रथम में अयोध्या मंडल के अंदर अयोध्या मंडल के अंतर्गत एक जिला है। अयोध्या मंडल है सर, फैजाबाद मंडल के अंतर्गत एक जिला है। आपका उसका क्या नाम हो गया? अयोध्या नाम हो गया जी, अयोध्या मंडल हो गया है जी। हाँ ठीक है चलिए, अयोध्या मंडल के अंतर्गत एक जिला है सुल्तानपुर। सर तीन बड़े उत्तर प्रदेश के तीन बड़े शहरों के मध्य में है, बनारस इलाहाबाद और लखनऊ के मध्य में स्थित है। सुल्तानपुर में सर मूज का और कृषि का, मूज के प्रोडक्ट और कृषि मुख्यतः मेन व्यवसाय है। धार्मिक महत्व इसका? सर धार्मिक महत्व तो सर पौराणिक मान्यताएं ऐसी हैं कि राजा कुश भगवान रामचंद्र जी के बेटे राजा कुश का यहाँ शासन था तो इसका पौराणिक नाम कुश भवनपुर भी है। अच्छा, और यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल? यस सर, पौराणिक मान्यताओं में ही सर बिजथुआ महावीरन जी बजरंग बली का धोपाप धाम है सर, जहाँ बजरंग जार भगवान राम ने अपना पाप धोने के लिए स्नान किया था। ठीक है, बिजथुआ महावीर और भी किसी कारण से फेमस है? सर बजरंग बली का सर स्थान है, वहाँ धाम है सर। कालनेमी का वहीं पर कुछ मिलता है क्या प्रसंग? कालनेमी वध सर वहाँ बजरंग बली ने किया था इसलिए वो उसकी कालनेमी कौन थे? सर कालनेमी राक्षस थे। राक्षस थे ठीक, उस किस प्रकरण से वहाँ पे आए थे, किस उद्देश्य से? सर ये चलिए, अच्छा ये बताइए आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं तो मुद्रा लोन क्या होता है? मुद्रा लोन सर भारत सरकार की योजना है जिसके तहत सर लोन दिया जाता है कि युवाओं को या किसी को भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिससे वो अपनी अपना स्वरोजगार। कितना है उसमें? तीन कैटेगरी है ना सर, एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, रिकॉल नहीं हो रहा है वो। चलिए, अभी आप महावीर मिजथुआ महावीरन का नाम बता रहे थे, राम मंदिर इसमें बहुत चर्चा में है जी। अच्छा, राम मंदिर बन जाने से उससे कौन सा संदेश जाएगा भारत को या विश्व को? सर राम मंदिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दर्शन है, हमारे देश के में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन के रूप में स्थापित होगा। और सर देश को मैसेज सर एक तरफ तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा मैसेज है, और राम का ऐसा चरित्र था उससे कुछ सामाजिक मैसेज जाएगा सर, देश के लोगों को कुछ मैसेज जाएगा, विश्व को संदेश जाएगा कुछ ऐसा? सर राम भारत के सांस्कृतिक दर्शन में ही है सर, राम का राम के गुण जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, राम ने अपने परिवार में कैसे जो जो अपनी मर्यादाएं स्थापित की, राम राज्य ही सर पूरा राम राज्य जैसे सर उसमें उत्तरकांड में कहा गया है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सो का, तो सर
ये मैसेज समाज में जाएगा कि राम राज्य की एक संकल्पना साकार होने की दिशा में? नहीं, कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पार्टियों ने इसको हाईजैक कर लिया भगवान राम को। सर, राम किसी पार्टी के नहीं है सर, राम राम कुछ तो कह ही रहे हैं, कुछ पार्टी वाले कह रहे हैं सर, सब वो उनकी जो कह रहे हैं वो अपने सर, सबके अपने विचार हैं। अच्छा, कृष्ण से भी आप परिचित हैं जी, तो राम का कौन सा गुण आपको अच्छा लगता है और कृष्ण का कौन सा गुण अच्छा लगता है? सर, राम का सबसे सबसे अच्छा गुण यही है, राम सर जो मुझे अच्छा लगता है, राम सर अपने परिवार में अपने समाज में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। और सर, भगवान कृष्ण का गुण है, भगवान कृष्ण जीवन दर्शन देते हैं कि आपको अपने अपनी जीवन में कैसे आपको अपने मित्र के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको कैसे सक्सेस होना है, इसके लिए कृष्ण जी का दर्शन है। निष्काम कर्मयोग उनका दर्शन है कि आप अपने कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अच्छा, आप निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, इसी तरह का एक प्रिंसिपल है ड्यूटी फॉर ड्यूटी जी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य जी, किसका सिद्धांत है? कांट। क्या है इसकी मीनिंग? सर, कर्तव्य कांट के अनुसार सर, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से एक मीन्स आप अपनी ड्यूटी, उन्होंने ड्यूटी को ही मोरल सबसे बड़ी मोरलिटी माना है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी कर रहा है जो उसका कर्म है, तो वो ये कांट के अनुसार ये माना जा सकता है कि वो सही ही वो अपना काम सही सुचारू रूप से कर रहा है। अच्छा, कांट का और कोई सिद्धांत आपको याद आ रहा है? नहीं सर। चलिए, न्यूज पेपर फॉलो करते हैं जी, आज पढ़ करके आए हैं जी। क्या न्यूज थी, दो तीन न्यूज बताइए सर। आज की न्यूज मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, उसमें सर आज एक न्यूज है कि ये महिलाओं का मैच हो रहा है, वुमेन्स T20 मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को हराया है। और सर, दूसरी न्यूज है कि RBI के तहत ये है कि सर, RBI ने जो इन्फ्लेशन के लिए अपनी बात की थी कि उनका जो टारगेट है 4-6% के बीच में, वो सर आने वाले समय इसरो के लिए भी कुछ न्यूज़ था, इसरो का भी कोई न्यूज़ था उसमें सर? था, पर मैंने बहुत जल्दी जल्दी में देखा सर आते वक्त। आदित्य एलवन क्या है? आदित्य एलवन सर इसरो का ही एक प्रोग्राम है, जिसके तहत हम सूर्य की कक्षा में प्रवेश करने के लिए, सूर्य को एक्सप्लोर करने के लिए इसरो का। ठीक है सर, सानंद। ठीक है सानंद, आपने इतिहास वगैरह पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत जी। पढ़ा है जी। आपने बताया CBI का गठन कब किया गया था? 1946। ठीक बेटा, ये आपद धर्म क्या होता है? सर, आपद धर्म सर नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। आहत सिक्का के बारे में कुछ बताइए। आहत सिक्का, पंच मार्क्स कॉइन्स। सर, पंच मार्क्स कॉइन्स सर पंच मार्क्स कॉइन जैसे सर कई उसमें जैसे सर मौर्यकालीन पंच मार्क्स कॉइन प्राप्त हुए, कुषाण पीरियड में मिले हैं सर। तो पंच मार्क्स कॉइन सर वो उसके तहत सर वो अपने ट्रेड में या उसको अपने एक्सचेंज में यूज करते थे, जैसे व्यापार के यूज में लाते थे। श्रेणी व्यवस्था क्या है? श्रेणी व्यवस्था सर, श्रेणी मुख्यतः सर ग्रुप होता था, जिसमें व्यापारियों के ग्रुप को ही श्रेणी कहते थे सर। केवल व्यापारी थे सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद व्यापारी ही थे केवल। बेटा, ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या अंतर है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार? सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सर जो फॉरेक्स रिजर्व है देश का, वो कितने दिन तक यह सस्टेन कर सकता है हमारी आयात या निर्यात को, उससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट निर्धारित होता है। सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड पता नहीं सर, सॉरी। बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर कुछ विवाद था जी, ना जी। वो विवाद कौन कौन से थे
सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेके सर मुख्यतः मेन विवाद तो ये था कि ये लोग कहते थे कि ये लॉयलिस्ट हैं, ये एक ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है तो ये उसके लॉयलिस्ट हैं। नाम दिया गया बेटा विवाद को? यस सर, नाम तो दिया गया था पर अभी एक्चुअली मुझे वो नाम रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, महात्मा ये बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया गया था, इसमें बालिका की विवाह की उम्र 10 से 12 वर्ष कर दी गई थी, तो विरोध करने का कारण क्या यही था, एज बढ़ाना, कि कुछ और था? सर रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है सर। अच्छा ये बताएं, खेल में इंटरेस्ट रखते हैं जी, पुरुष क्रिकेट टीम जी जब खेलती है जी, और फिर जब महिला क्रिकेट टीम खेलती है, लोकप्रियता पुरुष टीम की ज़्यादा दिखती है जी, क्या कारण है? सर सबसे पहला कारण तो पुरुष टीम की लोकप्रियता का है कि पुरुष टीम जो सर बहुत पहले से खेल रही है सर, महिला टीम का गठन या महिला टीम का खेलना पुरुष टीम की अपेक्षा बाद में शुरू हुआ है, और दूसरा सर मार्केट ज़्यादा इन्वॉल्व है मेरी समझ से पुरुष टीम में, जिससे उसका प्रचार प्रसार अधिक है पुरुष क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में मार्केट उतना भी इन्वॉल्व उतने स्तर तक इन्वॉल्व नहीं हो पाया है। ऐसा तो नहीं कि पुरुषोचित भावना प्रबल हो रही है समाज में शुरू से रही है? सर समाज में शुरू से रही है, प्रधान समाज है इसलिए पुरुषों की लोकप्रियता ज़्यादा है। सर मैं ऐसा नहीं मानता, अब उसके लिए जो हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड है काफ़ी प्रभावी रूप से उस पर सर काम कर रहा है, वो वुमेंस क्रिकेट को ही उतना ही प्रमोट करता है, अभी हाल ही में सर विगत दो तीन वर्षों से महिला IPL भी शुरू कर दिया गया है महिला क्रिकेट। लेकिन दर्शक दीर्घा में जो जनसंख्या होनी चाहिए थी वो दिखती नहीं उतनी। सर मेरी समझ से दर्शक दीर्घा में जनसंख्या सर प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है कि आप फील्ड में महिलाओं का या पुरुषों का प्रदर्शन कैसा है, खिलाड़ियों का कितनी सक्सेस है, और सर अभी महिला क्रिकेट का उस पुरुष क्रिकेट के अनुरूप प्रदर्शन उतना उस लेवल पर है नहीं। सर कैप्टन कौन है महिला क्रिकेट टीम का? सर हरमनप्रीत कौर। ठीक, ये बताइए लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित ये क्या है? सर राष्ट्र एक सांस्कृतिक और भावनात्मक संकल्प है। राष्ट्र नहीं, राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सर राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र के लिए समर्पण राष्ट्रवाद कहा जा सकता है। राष्ट्रहित का मतलब सर राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का आधुनिकीकरण राष्ट्रहित हो सकता है। ठीक, थैंक यू सर।